डीएम साहब कभी इस बात स्वच्छता को यूपी ने ये ठाना है, यूपी ने ये ठाना है। आज की ये रैली, मुरादाबाद की ऐतिहासिक रैली पूरे प्रदेश को संदेश देने के लिए काफी है कि हम क्या चाहते हैं। विदेशों से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बच्चे काफी बिस्कुट और चॉकलेट खाते हैं तो रैपर उसकी पंजी उसका डिब्बा जेब में रखते हैं और जब डस्टबिन आता है तो डालते हैं। यही माहौल हमको उत्तर प्रदेश में बनाना है मित्रों। इसी उद्देश्य से आज की ये रैली यहाँ पर आयोजित की गई है। झाड़ू पकड़ना नहीं है, योगी जी का मोदी जी का काम झाड़ू पकड़ना नहीं है। हमारा काम लोगों की झिझक दूर करना है, लोगों की शर्म दूर करना है। लोग जो सकुचाते हैं, संकोच करते हैं सफाई के बारे में बात करने की, उस झिझक को, उस शर्म को, उस संकोच को दूर करने के लिए हम लोग आवश्यकता पड़े तो झाड़ू भी पकड़ सकते हैं। इंदौर 254वें स्थान से छलांग लगाकर 2017 में एक नंबर पर पहुंच गया, एक नंबर पर। पूरे भारतवर्ष में इंदौर का परचम फहराया स्वच्छता के क्षेत्र में, कि मुरादाबाद भी इंदौर की तरह स्वच्छता में एक नंबर का बने, हाथ उठाकर बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ बाढ़ प्रतियोगिता रखी है, स्वच्छ बाढ़ प्रतियोगिता ये 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगी, एक महीना तक आपका बाढ़ पूरी तरीके से साफ सुथरा हो, ये हम चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। में जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम चाहते हैं कि श्री विनोद खन्ना जी और श्री सुरेश जैन जी, ये दोनों लोग आपकी सेवा में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस मुरादाबाद जनपद की खिदमत करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से था, आज भी है और हम भी चाहते हैं कि राम का मंदिर जरूर बने। कोई रास्ता निकले, राम का मंदिर जरूर बने।